गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विश्व हैंड वॉशिंग डे पर एक साथ धुले लाखों हाथ, हाथ धोना रोके कोरोना के स्लोगन के साथ सीएम योगी का संदेश साफ, कोरोना को यूपी देगा मात। शोधों दुराचारियों के खिलाफ सीएम योगी ने छेड़ा महाअभियान, 9 दिन तक ऐसे लोगों की हर गतिविधि पर होगी नजर, बनेगी रिपोर्ट, विजयदशमी के बाद होगी कार्रवाई। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक, कहा शोधों और दुराचारियों के लिए यूपी में नहीं है कोई जगह। शाहपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से मची सनसनी, 7 साल बाद घर लौटी रिटायर्ड रेल कर्मी की पत्नी और नाती की गला रेत कर की गई हत्या, एसएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण, कहा जल्द होगा घटना का अनावरण। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सीडीओ ने हाथ धोकर लोगों को सफाई के प्रति किया जागरूक, मंडलायुक्त ने कहा हर व्यक्ति 5 लोगों को सिखाए हैंड वॉश के तरीके। कृषि उत्पादन आयोग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई मंडल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, कहा कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में लाई जाए वृद्धि। जहर खुरानी करने वाले गिरोह के 3 साथी जहर खुरानों को शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचा, 1 खोखा और 3 जिंदा कारतूस, 1 फर्जी आधार कार्ड, 11 लूट के मोबाइल, 1 आल्टो कार और नशीला मादक पदार्थ सहित चोरी का सामान क्या बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही मनाएं सभी त्योहार, नगर निगम है आपके साथ। पुलिस ने अभियुक्तों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को किया वायरल, गगहा थाना क्षेत्र के मजगावा स्थित एसबीआई बैंक में एक महिला से 2 जालसाजों द्वारा ठगी का है मामला, एसपी साउथ ने कहा बताने वाले का नाम और पता गुप्त रखते हुए दिया जाएगा उचित इनाम। शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मौके से 180 पेटी हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब किया बरामद, अवैध शराब के अड्डे पर दबिश के दौरान 2 शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आगामी त्योहार और शहर में बढ़ रहे भीड़भाड़ को देखते हुए एडीएम सिटी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम द्वारा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर वाहनों की पार्किंग के लिए जगह की गई चिन्हित, जल्द शुरू होगी पार्किंग की व्यवस्था। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 99 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,716, एक्टिव मरीज हुए 1426, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। त्योहारों के मद्देनजर 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चलेंगी 12 जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनें, यात्रियों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। 17 से 25 अक्टूबर तक आयोजित मिशन शक्ति की सफलता की महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बैठक में बनी रणनीति, महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के लिए बनाए गए कानून के प्रचार प्रसार के दिए गए निर्देश। महानगर में नो पार्किंग स्थलों पर खड़े वाहनों के खिलाफ एसपी ट्रैफिक ने चलाया अभियान, नो पार्किंग में खड़े वाहनों का किया चालान, कहा नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। फार्मासिस्ट के अभाव में दवा दुकानदारों को हो रही समस्याओं को लेकर दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारी ने मंडलायुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन, समस्या के समाधान की मांग। और शासन के गाइडलाइन के अनुसार 16 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टी सिनेप्लेक्स में दर्शक उठा सकेंगे सिनेमा का लुत्फ, मल्टी सिनेप्लेक्स के मैनेजर ने कहा 6 साल से कम और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा वर्जित, दर्शकों के बीच 1 सीट का रखा गया है गैप।